एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बोलो, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, क्या है? हाँ 55, हाँ 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 -2 है, ठीक है, हाँ अब हो गया, रहने दो। प्रिंट, और यहां पर जो है आई को प्रिंट कराया गया है, और यहां पर जो है एंड इज इक्वल टू डबल डॉट कॉमा ओपन डबल डॉट कॉमा क्लोज, ये दिया गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको चलाना है, तो चलाने के लिए फाइव प्रेस करेंगे, लेकिन इससे भी पहले हमको ये जानना है कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसका आउटपुट का अनुमान लगाते हैं, कैसे कैसे अनुमान लगाएंगे। देखो ये जो है स्टार्टिंग वैल्यू है, 55 क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है, और यहाँ आई को प्रिंट कराया गया, और ये वैल्यू किस में जाकर स्टोर हो रही है, आई में, ठीक है। 55 के अलावा ये जो है एंडिंग वैल्यू है, यानी एंड कहाँ पे हो रहा है, 50 पे एंड हो रहा है। तो एक मिनट, अभी यहां पर देखोगे तो यहां पर इसको आगे जाना चाहिए, यानी 55 से इसको ज्यादा होना चाहिए, तभी तो 55 के बाद आगे बढ़ता ये, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 50 आ गया है। तो जब 50 आया है तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर इसका आंसर आएगा। क्यों आंसर आएगा, क्योंकि ये जो है स्टेप वैल्यू है, और स्टेप वैल्यू में लिखा हुआ है -2, यानी दो दो माइनस करके चलना है। तो 55 यहां पर प्रिंट होगा, पहली वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 55 प्रिंट हो जाएगी, क्या प्रिंट होगी, 55। और 55 के प्रिंट होने के बाद जो दूसरी वैल्यू बनेगी, 55 में से दो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 53, ठीक है, और 53 में से दो माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 51 बनेगा, यही आएगा। तो अभी इसको चलाने की बारी है, ये एंड और इक्वल टू डबल डॉट कॉमा ओपन डबल डॉट कॉमा क्लोज ये भी लगाया गया इसमें, तो यही आएगा। देखो यहाँ पे 55 53, और इसको किसी भी नाम से सेव करते हैं, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .py, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आंसर देखो 55, ये 55 हो गया, फिर 53 हो गया, और क्या हो गया, 51 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आई बात की नहीं। किसी में देखो दूसरा क्वेश्चन है, बताओ क्या है क्वेश्चन, दिखाओ तो। यहाँ पे प्रिंट करवाया गया है डायरेक्टली, ठीक है। प्रिंट में क्या लिखा गया है, प्रिंट में लिखा गया है डबल डॉट कॉमा में पाइथन, ये हो गया पाइथन, और पाइथन जो है एक एज ए स्ट्रिंग वर्क करेगा, क्योंकि डबल डॉट कॉमा में है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर लैंग्वेज को भी एज अ स्ट्रिंग यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पाइथन हो गया और ये लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो पाइथन इंटू 2 किया गया है, ध्यान देना यहाँ पे क्या किया गया, पाइथन इंटू 2, और ऐसे में आउटपुट क्या बनेगा आपका, F5 करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां पर इसको चलाएंगे तो देखो पाइथन दो बार प्रिंट करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना 2 से, और पाइथन तो क्या हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग वर्क कर रहा है। अगर आप लैंग्वेज के बाद, यहां देखिए लैंग्वेज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा, LUN, ये हो गया लैंग्वेज, ये हो गया। तो देखो ये जो है ना पाइथन जो है ये 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर लैंग्वेज को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैंग्वेज भी दो बार प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप 5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए लैंग्वेज भी दो बार प्रिंट होगा, पाइथन भी दो बार प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 करिएगा तब हो जाएगा, देखिए 3 बार प्रिंट हो रहा है ना पाइथन, जितनी बार लिखेंगे, अब 4 लिख देंगे तो 4 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा पाइथन, देखिए हो रहा है ना। तो बस यही है, एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन लिस्ट से रिलेटेड है, तो उसको देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन, list1 नाम से बनाया गया है, list1 है, इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या दिया गया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यही है ना। तो यहाँ पे हो गया 10, 30 है कि 20 है, 20, 30, 40, 50, 60, यही है ना। अब ये बन गई एक लिस्ट, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में, इसीलिए लिस्ट है। और यहाँ पे क्या किया गया, इसको रिवर्स फंक्शन का यूज किया गया, किस फंक्शन का, रिवर्स। तो रिवर्स फंक्शन को जब हम यूज करेंगे तो रिवर्स जो है क्या काम करेगा हमारा, ये रिवर्स करने का काम करता है, यानी उल्टी दिशा से इसे चलाने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करवाने से पहले ही हम इसे रिवर्स कराएंगे, तो यहाँ पर लिस्ट वन को रिवर्स कराना है हमको, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे LIST लिस्ट वन हो गया, और डॉट लगाएंगे रिवर्स, तो ये हो गया फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, रिवर्स जो है क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। और फिर किसको प्रिंट करवा रहे हैं हम, लिस्ट वन को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट वन को प्रिंट करा देंगे, और जैसे ही F5 करके सेव करेंगे इसको,
तो यहाँ पे देखो ये चीज उल्टी दिशा से प्रिंट होना शुरू हो जाएगी, यानी जब इसका आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ देखिए ये, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले 10 था लेकिन अभी क्या हो रहा है, उल्टे से चल रहा है, पहले 60 आ रहा है, फिर 50 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है। तो रिवर्स जो है ये स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करता, ये याद रखना, ये स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करता, ये किसके लिए काम करेगा, ये जब भी काम करेगा तो लिस्ट के लिए काम करेगा, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लिस्ट वन इज इक्वल टू यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, जैसे प्रियांशु नाम है आपका, तो यहाँ पे अगर आप प्रियांशु लिख देंगे और इसको रिवर्स कराएंगे तो ये रिवर्स नहीं होगा, ठीक है ना, F5 करिए, रिवर्स नहीं होगा, ये देखिए रिवर्स हो रहा है, एरर आ जाएगा तुरंत। अब ये भी क्लास 9 का ही क्वेश्चन है तुम्हारे किताब का, ठीक है, इसमें एक लिस्ट बनाई गई है, ये कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप। कैसे पता लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया, ये देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये लिस्ट डेटा टाइप है। और यहाँ इंडेक्सिंग करी गई है, y इज इक्वल टू क्या है x, और यहाँ पर 1 की बात करी गई, तो 1 क्या है, ये तो 0, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो ये 0 है और ये क्या है, ये 1 है, तो 1 पे क्या है 11 है। अगर यही चीज 2 होता तो क्या होता, 12 हो जाता, ठीक है, लेकिन ये 1 है तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, आ रहा है। एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो वो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक नंबर नाम से वेरिएबल बनाया गया है और नंबर में क्या स्टोर कराया गया है, जीरो, ठीक है, और जीरो स्टोर कराने के बाद यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया, वाइल लूप, ठीक है, तो वाइल लिखा गया और वाइल के अंदर क्या है, नंबर इज लेस देन इक्वल टू किया गया, नंबर इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ लिखा नंबर इज लेस देन इक्वल टू कितने के बराबर है, फाइव किया गया, लेस देन इक्वल टू 5, और फिर यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे कहा गया नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि इंक्रीमेंट करवाया गया है यहाँ पे, ये इंक्रीमेंट है, एक एक करके ये बढ़ता रहेगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, ठीक है, फिर एंटर करके और किसको प्रिंट करवाया गया, नंबर को, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर को प्रिंट करवा लेते हैं, तो ये लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, एन यू एम ई आर नंबर, और यहाँ पर कॉमा लगा करके एंड इक्वल टू डब्ल्यूटेड कॉमा ओपन गैप डब्ल्यूटेड कॉमा क्लोज, ये भी दिया गया है, ठीक है, तो ये चीज दिया गया है और ये डब्ल्यूटेड कॉमा हटा लीजिएगा, तो ये इस तरीके से है। अब इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, इसको देखना है, तो देखिए नंबर में इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो है, फिर अगर नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, अभी तो जीरो है तो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कह रहा है कि नंबर में एक जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसी को प्रिंट कर दीजिए, तो पहले तो इनिशियल वैल्यू जीरो है, तो जीरो रहेगी तो जीरो में क्या होगा, एक जुड़ेगा तो एक आएगा और एक को ये प्रिंट कर देगा, फिर दो को प्रिंट करेगा, तीन को प्रिंट करेगा, चार को प्रिंट करेगा, आना चाहिए, चलाते हैं एक बार देखते हैं आ रहा है या नहीं, तो ये चलाया तो देखिए 5 तक आ रहा है, 6 भी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लेस देन इक्वल टू दिया गया और ये जीरो से स्टार्ट है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट है इसलिए आप अगर जीरो को छोड़कर, अब देखिए जीरो है तो लेस देन इक्वल टू, अब जीरो भी तो होगा, तो जीरो में क्या होगा, जीरो में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो कुल मिला के 5 तो होना ही चाहिए, तो जीरो क्या होगा, जीरो एक हो गया, फिर एक जो है दो हो गया, फिर दो जो है तीन हो गया, तीन जो है चार हो गया, चार जो है पांच हो गया, तो इसी वजह से ये आउटपुट आपका आया हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पर 6 तक ये आ रहा है प्रिंट होके, ठीक है।